कहने लगा। आगे वो समय आ रहा है बेटियां कोई जाने का, महाराज कलयुग में लोग पराई बहन बेटी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। जो नंबर एक का ढोंगी होगा पाखंडी, लंबी दाढ़ी, विशाल जटा, लंबे नाखून, उनकी पूजा करने नहीं, सच्चे संत की निंदा करेंगे। दूसरे के धन पर सेंध लगाएंगे, नाना प्रकार की चालें माया रचकर गरीब का खून पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। महाराज मंदिरों में पुजारियों की जगह पर दारूबाज लुच्चे लफंगे पंडे होंगे, जब ऐसी दशा होगी तो कहां जाऊंगा। इसलिए महाराज जहां जब धरती जा रही है वहीं में जाऊंगा और गाय रूपी धरती कहने लगी, महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगनी षष्ठी बढ़ जाए हमें चिंता नहीं रहती, पर्वत नदियां तालाब समुद्र में अपने सर पर धारण करती हूं, लेकिन पापों से पाप हरण में दब जाऊंगी। परीक्षित बोले सारे संकट जा कलयुग के कारण आए, खेच ली तलवार, हम जब कलयुग को ही नहीं रखेंगे जो खिसियाए के